लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था जिसपे मैंने वीडियो एडिटिंग का इंट्रोडक्शन के साथ साथ एक प्राइमरी वीडियो को इंपोर्ट करना सिखाया था। सिर्फ उतना ही नहीं, वीडियो इंपोर्ट करने के बाद वीडियो को क्रॉप करना, वीडियो से ऑडियो को अलग करना, वीडियो और ऑडियो ट्रैक ऐड करना, ऐसे बहुत कुछ सिखाया था मैंने। लेकिन आज इस वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अपने वीडियो पे वॉइस ओवर करना चाहते हैं या तो फिर बैकग्राउंड म्यूजिक जो लगाना चाहते हैं। अगर इससे पहले का वीडियो अभी तक नहीं देखा तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आई बटन में भी है। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं डिवाइन कोना। वीडियो को अभी एक लाइक कर दो क्योंकि आप वीडियो देखने के बाद ना लाइक करने के लिए भूल जाते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए क्योंकि इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। देखिए, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि एक्चुअल हम लोग इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, फिल्मोरा की जो टाइम लाइन है उस पर वीडियो को कैसे इंपोर्ट करेंगे। अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी वापस मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे वीडियो को और इंपोर्ट करने के बाद हम लोग उसको वॉइस ओवर करेंगे और उसके साथ बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा के दिखाऊंगा आज। तो यहाँ पे देखिए, इंपोर्ट मीडिया फाइल्स यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, आपको वहाँ पे क्लिक करना है। देखिए, मैं कोई भी वीडियो यहाँ पे उठा लेता हूँ, जैसे कि मेरा चैनल का कोई भी वीडियो मैं यहाँ पे उठाऊंगा। अभी देखिए, जैसे ये वाला वीडियो मैंने लिया और यहाँ पे एक थंबनेल के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था कि हाउ टू मेक ए प्रोफेशनल थंबनेल फॉर यूट्यूब वीडियो। अभी तक वो इस वीडियो को नहीं देखा तो आप इस वीडियो के बाद ज़रूर देखिए। तो मान के चलिए ये मेरा जो वॉइस है, यहाँ पे वीडियो दिख रहा है और नीचे जो है ऑडियो दिख रहा है। पहले हम लोग को वीडियो से ऑडियो को स्प्लिट करेंगे, ये मैंने पहले वीडियो पे दिखाया था। अभी इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने अभी वॉइस ओवर करके दिखाऊंगा आप लोग को और साथ साथ बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा के दिखाऊंगा। तो अभी डिटेच ऑडियो में हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे डिटेच ऑडियो में हम लोग क्लिक करेंगे, देखिए अभी वीडियो से ऑडियो अलग हो चुका है। अभी मैं फ़िलहाल इसको थोड़ा प्ले करके आप लोग को सुना देता हूँ। देखिए, अभी ये जो वॉइस है, मान के चलिए अभी ये वॉइस आपको ठीक नहीं लग रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वॉइस ओवर ऐड कर सकते हैं। अभी ये ट्रैक को यहीं पे रहने देंगे। अभी इसको पहले म्यूट करते हैं और लॉक करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, ये जो साउंड का जो निशान आ रहा है यहाँ पे, ये वाला है म्यूट करने के लिए। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अनम्यूट हो जाएगा। देखिए, ये अनम्यूट हो चुका है। और ये जो लॉक दिख रहा है यहाँ पे, इसका बाजू में बिल्कुल लॉक दिख रहा है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे ये ग्रीन हो जाएगा तो आप समझ लीजिए कि आपका जो टाइम लाइन है, या चाहे वीडियो का हो या ऑडियो का हो, वो लॉक हो चुका है। उसके बाद आप अगर अनलॉक करना चाहेंगे तो यहाँ पे वापस आप लॉक ट्रैक जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देखिए, क्लिक करने के बाद ये ट्रैक भी एक्टिव हो चुका है। हम लोग को इसीलिए ये ट्रैक को लॉक करना पड़ता है क्योंकि मान के चलिए अभी मेरा इसी ट्रैक को मैंने एडिट कर चुका हूँ, वीडियो हो गया या तो फिर ऑडियो हो गया, मैंने एडिट कर चुका हूँ और इसी ट्रैक में कुछ छेड़खानी नहीं करना है मेरे को। तो इसलिए हम लोग एक बार इसको लॉक कर देंगे तो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। जैसे हम लोग अनलॉक करेंगे तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे इसको हम लोग लॉक कर दें और म्यूट भी कर दें साथ साथ। अभी मान के चलिए मेरे को यहाँ पे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है तो हम लोग देखिए, मैं यहाँ पे आप लोग को दिखाने के लिए अभी ये जो फिल्मोरा के ऑडियो लाइब्रेरी है बैकग्राउंड म्यूजिक में लगा के आप लोग को दिखा दूंगा। अगर आप बैकग्राउंड म्यूजिक फ्री में लगाना चाह रहे हैं तो इससे पहले मैंने काफ़ी दो चार वीडियो मेरे चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं कि कैसे हम लोग को ऑडियो या तो फिर वीडियो को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी विदाउट कॉपीराइट स्ट्राइक। और उस ऑडियो या तो फिर वीडियो में आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं मिलने वाला है। मैं इससे पहले एक दो वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर, तो आप उस चैनल पे वीडियो है मेरा, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो देखिए, फिलहाल मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाने के लिए ये ऑडियो लाइब्रेरी से अभी ऑडियो लेके बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के आप लोगों को दिखाऊंगा। इसीलिए मैं दूसरा ऑडियो चूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कॉपीराइट की क्लेम आ सकती है। तो यहाँ पे देखिए, अभी आप अपना हिसाब से ऑडियो बहुत सारे साइड है, तो आप अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे को वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको सारी चीज़ समझा दूंगा। आप कौन सी साइड से अगर आप ऑडियो या फिर वीडियो उठाते हैं तो आप लोग को कॉपीराइट क्लेम नहीं मिलेगा। देखिए, आप जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ऑडियो टाइमलाइन पे, अभी यहाँ पे ये ट्रैक मेरा जो म्यूट है और लॉक भी है, मैं आपको एक बार वापस सुना देता हूँ। देखिए, मेरा वीडियो के साथ साथ देखिए मैं थोड़ा बहुत फॉरवर्ड कर रहा हूँ आगे। अभी मेरा वीडियो भी चालू है और उसके साथ साथ मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो भी चालू है। अभी देखिए, इसका अगर साउंड वगैरह मेरे को वॉल्यूम वगैरह कम करना है तो मैं इससे पहले वाला वीडियो पे ये सब चीज़ बता चुका हूँ और यहाँ पे वापस बता देता हूँ आप लोग को कि यहाँ पे आपको कर्सर रख के आपको थोड़ा सा अगर आप नीचे करेंगे और ये अनम्यूट करेंगे और इसका लॉक भी अभी अनलॉक करेंगे
तो आप देखिए अभी यहाँ से मेरा जो है वॉइस के साथ साथ बैकग्राउंड म्यूजिक भी चालू हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं मेरा वॉइस के साथ साथ बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो चालू हो चुका है। अगर आप अपना वॉइस के साथ साथ बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह लगा सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि एक्चुअल यहाँ पे वॉइस ओवर कैसे किया जाता है। देखिए वॉइस ओवर करने के लिए वापस आपको करना क्या है, यहाँ पे जो रिकॉर्ड लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे रिकॉर्ड वॉइस ओवर जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है आप इसका शॉर्टकट यूज कर सकते हैं कंट्रोल्ट प्लस आर, या तो फिर आप माउस से सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है रिकॉर्ड वॉइस ओवर। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका सामने ऐसा इंटरफेस खुल के मिलेगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ये जो रेड वाला बटन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ये 1 2 3 होकर चलेगा। अभी देखिए हमारा वॉइस जो है ये अपने आप रिकॉर्ड होने लगा है। मैं जो भी बोल रहा हूँ यहाँ पे, जो भी मैं बात करूँगा यहाँ पे, ये मेरा वीडियो के साथ साथ मेरा वॉइस ओवर जो है हम लोग कर सकते हैं। देखिए अभी यहाँ तक हो चुका है, अभी यहाँ पे मैं ओके कर रहा हूँ। मैं इसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा के आप लोगों को सुना देता हूँ एक बार। देखिए इसको पहले मैं म्यूट कर रहा हूँ, नहीं तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा एक्चुअली मेरा वॉइस ओवर जो हुआ है एक्चुअली हुआ है या फिर नहीं। देखिए मेरा यहाँ पे वीडियो का एक्टिविटी चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए मेरा ऑडियो जो है जो वॉइस ओवर मैंने किया था ये सारे चीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है और चालू भी हो चुका है। इससे क्या फ़ायदा होगा आप लोगों को कि आप अगर अपना वीडियो से ऑडियो को स्प्लिट करके उसका बाद अगर वीडियो के हिसाब से अगर वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो आप उसी तरह कर सकते हैं। देखिए ये तो मेरा वीडियो था जो कि मैंने यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी कर रहा हूँ। अगर जहाँ पे आप सिर्फ वीडियो चालू करेंगे आपका फेस नहीं दिखाएंगे, मान के चलिए ये मेरा इंट्रोडक्शन है, इसका बाद में अपना टॉपिक जो है शुरू करूँगा और मैं टॉपिक को स्क्रीन रिकॉर्ड करने का बाद अगर मैं वॉइस ओवर करना चाहूँ तो इस तरह जो है मैं वॉइस ओवर कर सकता हूँ। और उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे जिससे आप अपना हिसाब से वॉइस ओवर करेंगे, आप ये सब करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपली आप अपने हिसाब से ट्रैक को एडजस्ट कीजिए। एडजस्ट करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपली एक्सपोर्ट में क्लिक करेंगे। जैसे एक्सपोर्ट में क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे मैं फाइल नेम चेंज करना चाहूँगा। मान के चलिए मैं यहाँ पे आप लोग को दिखाने के लिए कुछ भी फाइल नेम लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने सिंपली लिख लिया कि यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल मैंने टाइटल डाल दिया, जो मेरा वीडियो जो एक्सपोर्ट होगा इसका फाइल नेम ये यूट्यूब थंबनेल रहेगा। अभी यहाँ पे देखिए ये सेव टू कौन, आप जाओ जो ड्राइव पाथ यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जो भी ड्राइव पाथ में आप सेव करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने डी ड्राइव में सिलेक्ट किया मेरा ये जो डिवाइन कोना किसी चैलेंज का नाम है, और जो वीडियो मैं पहले एक्सपोर्ट करता हूँ जो वीडियो एडिट करना रहता है, मैं यहाँ पे एक व्हील एडिट करके एक फोल्डर क्रिएट किया, उसी फोल्डर में मेरा एक्सपोर्ट हो जाएगा। बाकी अगर आप अपने हिसाब से चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ पे आप ड्राइव पाथ जो है आप अलग से लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ और यहाँ पे एक्सपोर्ट बटन में क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए ये मेरा एक्सपोर्ट होना चालू हो चुका है। अभी आप देख पा रहे हैं कि ये जो ग्रीन साइन है ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। देखिए अभी यहाँ पे 0% था, अभी 1% हो चुका है। आगे चल के देखेंगे 2, 3, 4 ऐसे ही देखिए अभी परसेंटेज जो है बढ़ते जा रहा है। ये जब तक 100% हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है साउंड रिमाइंडर, तो ये 100% हो जाएगा एक्सपोर्ट। जब 100% होगा यहाँ पे कि आपको साउंड सुनने को मिलेगा, जिस साउंड से आपको पता चल जाएगा कि आपका वीडियो जो है पूरी तरह एक्सपोर्ट हो चुका है। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो और अब तक लाइक नहीं किया तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। नेक्स्ट वीडियो किसी टॉपिक में लेके आऊं जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मुझे इंतजार है आप लोग के कमेंट्स की। तब तक के लिए जय हिंद।